धरती मेरे माँ, धरती धरती पता है ससुर जी। मेरे बेटे राहुल आ गया, तू आओ पैर छू, बहुत बढ़िया। मेरे को क्यों बुलाया ससुर जी? बेटा राहुल, तू करियर में कुछ करके नहीं रहा, कब तक ऐसे जीवन काटेगा? धरती मेरी माँ अंजल आतिया, आतिया लव यू। आतिया मेरी पत्नी है ससुर जी। हाँ सॉरी, मेरी तो अंजल है, अंजलि आई लव यू धरती माँ। रन कब बनाएगा? रन 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 ससुर जी, कुंजन मुंजन मुंजन को। मैं भी वही कह रहा हूँ, विराट कोहली के अंदर कब सक जिएगा, सिर्फ आईपीएल में रन बनाएगा। कुंजन मुंजन मुंजन को अंजलि ससुर जी, कुंजन मुंजन मुंजन को। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना कॉन्फिडेंट आलेख रवि माथुर पीले चश्मों में, और मैं हूं आपका दोस्त गौतम कश्यप लाल चश्मों में। सबको दिख रहा है, ये भूलनी चाहिए नहीं बातें, ठीक है। सो हम आपका मिलके स्वागत करते हैं इन आपके अपने चैनल गपशप विद माथुर एंड कश्यप में। सो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? बात हम करने वाले हैं एक सदमे के बारे में जिससे हम अभी तक उबर नहीं पाए। पिछली वर्ल्ड कप वीडियो में हमने जो गालियां दी थी राहुल द्रविड़ और केएल राहुल को, झंझनाता हुआ चांटा मारा है हमारे उन दोनों ने। तो आप बोल रहे हो कि केएल भाई को नहीं खिलाना चाहिए? भाई केएल राहुल ने क्या कमबैक किया है, क्या कमबैक किया है। और भाई एक बात माननी पड़ेगी, इन्होंने जो अभी एशिया कप में सेंचुरी मारी है, ओ भाई, आई मीन अंडर प्रेशर होते हुए भी आज तक की बेस्ट सेंचुरी लगी भाई मुझे। भाई सीरियसली केएल राहुल ने फोड़ दिया, मतलब अपने सभी क्रिटिक्स का जवाब दे दिया इंक्लूडिंग अस। राहुल द्रविड़ ने फोड़ दिया, अपने सब क्रिटिक्स का जवाब दे दिया, हम एशिया कप घर लिया है यार। मतलब सही में जो पहला मैच हुआ पाकिस्तान वाला, मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, फिर वर्ल्ड कप पे भी आएंगे। जो पहला मैच हुआ पाकिस्तान वाला, हमारी बैटिंग बिखर गई, और मतलब नेपाल ने हमारी बॉलिंग एक्सपोज कर दी थी भाई। पर तीसरे मैच से जो हम उठे हैं, ओहो हो, कोहली साहब फॉर्म में आ गए। कोहली साहब, हम तो भाई सिंप हैं कोहली के, तू है कि नहीं है? जो तूने बोला वही सही है, हो गया अब। हम तो भाई सिंप ठहरे कोहली के, तो सही में मतलब मैं बहुत खुश हुआ वाला एशिया कप देख के, जो चाहिए था हमें सब कुछ हो गया। तू ही नहीं, हम सब बहुत खुश हुए कुलदीप यादव की फॉर्म देख के। बिल्कुल भाई, भाई एशिया कप में इन्होंने जो दिखाया, अभी आई थिंक वर्ल्ड कप से पहले जो इनका फॉर्म है, अगर यही फॉर्म इन्होंने वर्ल्ड कप में दिखा दिया तो भाई मजा आ जाएगा। वर्ल्ड कप तो हमारे घर में, हाँ मतलब मैचेस हमारे घर में ही है वैसे, मतलब हमारे घर में नहीं, इंडिया घर में जनरल, पूरा हिंदुस्तान हमारा यार, सारा जहां हमारा, ठीक है। सो वाह यार, क्या लाइन बोली, सारा जहां। अरे बस डोंट मेंशन, मेरे फैंस के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज तू जो भी है वो अपनी फैंस की वजह से है ना, दे आर नॉट माई फैंस, दे आर माई कॉन्फिडेंट, कम ऑन, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की। इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है और एक्साइटमेंट पीक पे है, क्योंकि वर्ल्ड कप से जस्ट पहले इंडिया फॉर्म में आ गई है, हमने ऑस्ट्रेलिया को धो दिया विदाउट रोहित एंड कोहली। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, एशिया कप जीत गए, वर्ल्ड कप से जस्ट पहले हमारी ओडीआई सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया के साथ, और हम दोनों मैचेस जीते, हम सीरीज जीत गए, वो भी बिना कोहली और रोहित के। और भाई जहां रोहित कोहली आए वही मैच हार गए। हाँ यार, एक मैच तो हार गए, पर चलो ठीक है, ठीक है, मतलब नजर नहीं हार जीत तो लगी रहती है, लगी रहती है। जब हारते तब मैं ऐसे ही बोलता हूँ, हार जीत तो लगी रहनी चाहिए, क्रिकेट इज जस्ट अ गेम। जब जीतते तब निकलते सड़कों पर करते हुए। सो वर्ल्ड कप में यही होने वाला है, जहां हारेंगे वहां हम सब सीधे सीधे बोल देंगे भाई हार जीत तो लगी रहती है, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। सो बट जो जिस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है टीम इंडिया कैसे फेस करेगी न्यूजीलैंड को, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड से हमारा मैच भिड़ा तो हमारा लास्ट मैच जो हम न्यूजीलैंड से जीता था दैट वाज इन 2003 वर्ल्ड कप, उसके बाद से हम वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से नहीं जीते हैं। और जो भी पाकिस्तान से मैच होगा, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है अहमदाबाद में, उसमें आएगा असली मजा, वहां खुलेंगे असली पत्ते, वहां बिछेगा बारूद। तो ये, भाई ये कुछ भयंकर होने वाला है, बहुत भयंकर होने वाला है। इंडिया में इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, लोग पागल हो गए, तुझे पता है होटल्स तो छोड़, लोगों ने हॉस्पिटल्स के बेड्स बुक कर रखे हैं, इस हद तक दीवानगी है
भाई नेक्स्ट लेवल। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे मतलब दिखा नहीं पा रहा, गूज़बम्स है मेरे। ये तो इसने तो अभी सब सब सब, सब एक्साइटेड है, सब एक्साइटेड है भाई, सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और ये बताने वाली बात नहीं थी, खैर ये वैक्स नहीं करवाता, वो तो दिख रहा है। तूने मुंह क्यों चलवा लिया? तू हवलदार का एग्जाम देने वाला है क्या? लांस नायक गौतम जैन, मेरे देश के लिए कुछ मत बोलना। सॉरी, तू देश में कहाँ जाता है यार, मेरे लिए कुछ मत बोलना। अच्छा ठीक है। सो आप लोग भी हमें बताइए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। अभी जो हमारी टीम बनी है, हमारी जो टीम में नए एडिशन में केएल राहुल इज बैक इन फॉर्म, कुलदीप यादव मतलब सीधे लिटरली ऐसा लग रहा है आग छोड़ रहे हैं अपनी बॉल से, और कोहली रोहित तो हैं ही, मतलब पूरी टीम हमारी इस वक्त लग रही है जो पूरा हमारा कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ था। हमने पिछले वीडियो में बोला था कि हम चाहते हैं आप अच्छा परफॉर्म करो, हम सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो हमें मतलब वजह मिल गई है आफ्टर एशिया कप एंड ऑफ कोर्स द ऑस्ट्रेलियन सीरीज, हमें वजह मिल गई है, हम पूरे दिल से अब सपोर्ट करेंगे, अब बस हो गया यार मेरा मैच, और हमेशा करेंगे यार, हमेशा ऑफ कोर्स करते ही हैं यार, बस बुरा लगता है जब टीम उस तरीके से नहीं खेल पाती जो कैलिबर में दिखता है। हर्ट होते हैं ना, अरे ऑफ कोर्स यार, दिल लगाते हैं यार हम, पैसे लगाने वाले फैन थोड़ी, हम तो दिल लगाने वाले फैन है ना। तू नहीं करेगा? ठीक, दिल ऐसे नहीं बनता, तो ऐसे बनता है। अरे कोरियाई बच्ची, हम दिल लगाने वाले फैन है गाइस, तो हमने फिर से दिल लगा लिया इंडिया से, इंडियन क्रिकेट टीम से, और हम चाहते हैं कि फोड़ दे बस इंडियन क्रिकेट टीम। और इसी बीच एशियन गेम्स में हमारी ए टीम भी जाने वाली है, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ हमारे कैप्टन बनेंगे, तो हम तो चाह रहे हैं हर जगह हर जगह हर जगह इंडिया का परचम लहरा दो, बिल्कुल फहरा दिया जाए, लहरा दो, चक दे इंडिया। अच्छा वो भी बोल रहा है, चक दे इंडिया, ये तो इसी हैप्पी नोट के साथ हम इस वीडियो को खत्म करना चाहते हैं। आशा करते हैं कि हमारी जो अगला वीडियो हम बनाए तब तक हम काफी सारे मैच जीत चुके हों क्रिकेट पे, और काफी सारे सब्सक्राइबर भी हमारे चैनल पे आ हाँ, चुके हैं। यार सब्सक्राइब कर दो यार, क्या करूं तो मैं माँ की कसम दूंगा यार, प्यार सॉरी हाँ। यार सब्सक्राइब कर दो यार, इसकी कसम है यार आप लोगों को। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की नीड है। साथ ही कमेंट करें हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, हमारे पुराने वीडियोस भी जाके देखें, बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने वीडियो जाके देखो यार बहुत सारे। एंड ऑल्सो प्लीज अपने कमेंट छोड़ो कि इस वर्ल्ड कप में आपकी क्या उम्मीदें, एंड जाते जाते प्लीज हैशटैग बेस्ट ऑफ लक इंडिया लिखना जरूर, एग्जैक्टली जरूर लिखना, बिल्कुल मत भूलना बेस्ट ऑफ लक। मुझे लग रहा है हर कोई लिखेगा, ये नहीं लिखते तो भाई आप सच्चे कसम मत देना, नहीं नहीं कसम नहीं दे रहा, गो टू पाकिस्तान, जिसने नहीं लिखा बेस्ट ऑफ लक इंडिया आप देशद्रोही हैं, आटा खत्म भाई। तू भी फटाफट से कमेंट में लिख देना। हाँ मैं बिल्कुल लिखने वाला हूँ, तेरा वीजा लगवाना पड़ जाएगा, बिल्कुल लिखने वाला हूँ, और मैं भी लिख दूंगा, बिल्कुल मैं मेरे घर वालों के नाम से भी लिख दूंगा, तो हमारी कॉन्फिडेंस अलविदा दे सब, बिल्कुल। सो कॉन्फिडेंस, विश अस ऑल बेस्ट ऑफ लक, एंड टाटा बाय।